एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए जी, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सुबह से मैंने अपना वीडियो शुरू किया और अभी सुबह तो नहीं है, वैसे तो 9 बज चुके होंगे। आज मैं ना सुबह वैसे तो जल्दी उठी थी, बच्चे स्कूल गए थे ना, तो अभी बस पार्क से आके ही मैं बैठी हूँ और फोन था मेरे हाथ में, तो मैंने सोचा चलो वीडियो तो शुरू करनी है और वीडियो भी शुरू कर लेती हूँ और काम करना है। तो काम मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। कुछ भी नहीं हुआ घर में, देखा ना हालत घर की कैसी हो रही है, पूरे में फैला हुआ है और इतना ज्यादा फैल रहा कि ऐसे लग रहा जैसे कि कब से काम नहीं हुआ। तो वही हो जाता है सुबह के टाइम ना, घर फैल ही जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो पूरे में ऐसे हो जाता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फैला के चले जाते हैं कि बस समेटना मुश्किल हो जाता है। उनके जाने के बाद ही करती हूँ मैं साफ सफाई, झाड़ू वाड़ू सब कुछ। और अभी ना पार्क से आए ना तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। मैंने इनको कहा कि पहले चाय बना दो आप थोड़ी सी, मैं थोड़ी देर बैठ जाऊं आराम कर लूं, उसके बाद लगूंगी काम में। और चाय मिल जाएगी ना अदरक वाली तो फिर अच्छा सा लगेगा, काम करने का भी मन करेगा। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक भी कर देना आप लोग। और गुड्डू की तबीयत ठीक है, आज वो मैंने स्कूल भी भेज दिया क्योंकि छुट्टी हो जाएगी, बड़ी क्लास है उसकी। और उसे खुद भी लगता है कि मम्मी अब छुट्टी मत कराया करो मेरी, क्योंकि उसे भी लगता है कि बड़ी क्लास है ना तो अब स्कूल जाना चाहिए, ज़्यादा छुट्टी तो फिर नुकसान हो जाएगा पढ़ाई का भी, इस वजह से। तो फिर मैंने भेज दिया कि गुड्डू तबीयत ठीक है तो तू चला जा। तो चलिए जी वीडियो को करेंगे शुरू और लाइक ज़रूर कर देना आप लोग। और अभी करेंगे काम, तो बस यही है, बार बार मैं काम की बताई जा रही हूँ, काम ही दिखाते हैं, काम ही ध्यान में रहता, पूरा दिन काम ही काम चलता, बस होता ही क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए जी अभी कर लेते हैं काम, और चाय भी हो गई, चाय पी ली हमने, अदरक वाली चाय अच्छी सी बनाई थी इन्होंने सुबह सुबह ना। अदरक वाली चाय मिल जाती है ना तो दिन सा बन जाता है, क्योंकि जो चाय पीने वाले होते हैं ना जिनको पसंद होती है तो उनको अच्छी लगती है, और सुबह 2-3 बार जब तक ना पी लेना तो तसल्ली सी होती नहीं है, क्योंकि फिर ना नाश्ते के साथ भी बनाई थी इसलिए आज 2-3 बार हो गई। तो अभी बस घर संभालूंगी, बेडशीट ठीक करूंगी, चेंज तो नहीं करनी आज। ये दूरा पजामा है, मशीन में डालना है जो आकर लिखा रहा है। गुडलू आ लिया, तबीयत ठीक है, स्कूल जा रही है, स्कूल था उसको, तेरे साथ ही तो उठी थी वो। तबीयत ठीक है गुड्डू? तो बस अभी ना गुड्डू अपने स्कूल की बता रहा था कि आज कुछ खास पढ़ाई नहीं हुई, कोई सर रिटायर हुए होंगे टीचर उसके लिए, तो आज ना हाफ डे भी था, ये जल्दी आ गया और आके गुड़िया की पूछ रहा कि गुड़िया कहाँ, तो वही मैं उसे बता रही थी कि गुड़िया स्कूल गई है, तेरे साथ ही तो उठी थी सुबह, भूल गया। और गुड्डू जब से तबीयत ख़राब हुई है ना दिन में कई बार पूछ लेती हूँ मैं इसको तबीयत ठीक है, क्योंकि जब भी चुप सा लेटता है ना तो मन में एक डर सा लग जाता है कहीं फिर से तबीयत ख़राब ना हो जाए, होता ना सभी के लिए ही, मतलब सभी माँ को ऐसा ही लगता होगा जब बच्चा बीमार हो जाता है। तो मैं भी ना दिन में ऐसे ही रहता, बस जब भी चुप सा लेटेगा तो मैं पूछ लेती हूँ, और अभी स्कूल से आया ना तो मैंने अब भी पूछा। और अभी ना काम छोड़ के पहले इसके लिए खिचड़ी बनाऊँगी, तो मैंने सोचा चलो ये बेडशीट निकली हुई है इनको निकाल दूँ और घर संभाल दूँ, फिर जाऊंगी खिचड़ी चढ़ाने, क्योंकि काम भी होता रहेगा और इसका भी खाना बनता रहेगा। सुबह भी ऐसा कुछ खास खा के नहीं गया था ये, मैंने इसको चाय बिस्किट दिए थे, मैं पूछ भी रही थी इसे कुछ खाने का मन हो तो बता दे, कह रहा मम्मी अब ना इस टाइम कुछ भी खाने का मन नहीं है, सुबह जल्दी उठता ना 5:30 बजे तो उस टाइम पर ना कुछ खाने का मन नहीं होता, और फिर हल्का फुल्का सा ही खा के जाता है ये, तो कह रहा बस चाय बना दो मम्मी, चाय बिस्किट खा लूँगा और आके खाऊंगा खाना, तो इसलिए फिर मैंने इसकी खिचड़ी, मैंने कहा कि फिर मैं आके बना दूंगी तेरी, तू आएगा ना तो गरम गरम बना के दे दूंगी ताज़ा, क्योंकि तबीयत ख़राब रहती है ना तो फिर लगता है कि बीमार जो होता है ना उनको खाना मतलब ताज़ी ही देना चाहिए, जिस टाइम भूख लगे उस टाइम रखा हुआ तो क्या फ़ायदा, फिर मैं बना के रख देती और ठंडी होने के बाद ना चावल हो या खिचड़ी हो अच्छी भी नहीं लगती, तो इसलिए फिर साथ के साथ बना दूंगी यूँ सोचा मैंने। तो ये भी मैंने सेट कर दी, और इसके ना कवर नहीं है, मतलब कवर है तो सही, दूसरे में उसमें डाल दिए तकिए में। तो अभी चलाऊंगी टीवी, क्योंकि टीवी चलाए बगैर ना चैन नहीं आता, गाने सुन लेते हैं ना सुबह सुबह तो एक एनर्जी सी आ जाती है, और ना काम करते रहो पता भी नहीं चलता काम कब हो गया, तो सुबह ना मैं अपने पुराने गाने चला के जब अपने घर के काम करती हूँ। जब गुड्डू और छोटे थे ना ये स्कूल चले जाते थे, इनके पापा ऑफिस चले जाते थे ना, तब भी ऐसे ही करती थी,
गाने चला लिए और अपना काम शुरू कर दिया। और ये गाना भी ना मेरा पुराने गानों में फेवरेट है। कई गाने ऐसे हैं मेरे जो मैं हमेशा सुनती हूँ, अच्छे लगते हैं मुझे, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो में भी थोड़ा सा ना गाना डाल दिया। पूरा तो नहीं सुना सकते वरना कॉपीराइट आ जाएगा। पूरा नहीं सुनाए, मान लो थोड़ा बहुत तो चला ले, पर इतना भी नहीं चलाते ना, कुछ सेकंड का ही चलाना होता, तो मैंने उससे भी कम ही रखा है। और अभी किचन में गुड़िया की नहीं गुड्डू की खिचड़ी बनाने के लिए आई हूँ। कई बार ऐसे ही होता, आवाज़ लगाऊंगी गुड़िया को और गुड्डू बोल दूंगी, कई बार गुड्डू को बोलूंगी तो उसको सारा को बोल दूंगी, ऐसे ही चलता रहता है। और अभी बस मैंने ना नमक डाल के सिंपल सी बनाई है इसकी, जीरे के छौंक में, ऐसे ही खाना पसंद करता है ये, ना उसमें प्याज डलवाता ना हल्दी मिर्ची मसाले वाली सी, तो खाता ही नहीं है, बस नमकीन बना दो उसे ही खा लेगा। कई बार मन करेगा तो उसमें चीनी डाल के खा लेता, और गुड्डू जब चावल में चीनी डाल के खाता ना तो मुझे याद आती है अपने भाई की, और मेरे पापा भी ना ऐसे ही खाते थे चावल में चीनी डाल के। ये गुड्डू को आदत पता नहीं कहाँ से लगी, मैं तो यूँ सोचती हूँ कि मेरा भाई और मेरे पापा ऐसे खाते थे ना, तो गुड्डू की भी ऐसी आदत है, ये चीनी डाल के खाता है ऐसी चीज़ें। और मैं कभी नहीं खाती, ना इसके पापा खाते हैं चावल में चीनी डाल के, हम तीनों नहीं खाते, गुड्डू ही खाता बस। और ना दही में तो अच्छी लगती है, कभी कभार डाल भी लेती हूँ, पर मैं ज़्यादातर मीठी लस्सी पीती हूँ, दही में भी नहीं डाल के खाती। और गुड्डू को तो दही में भी कभी कभी चीनी चाहिए होती है। हाँ, मैं इसे डांट के कभी कभी फीकी दही खिलाती हूँ कि तू ऐसी खाया कर, ऐसी नुकसान नहीं करती, और मीठा तो ना ज़्यादा ठीक भी नहीं होता, और दही ना ख़राब हो जाती है फिर खाने में, मतलब वो बात नहीं रहती, इतनी हेल्दी नहीं रहती। तो ये मैं सामान लेके आई थी किचन का, वो भी अरेंज करना था, कुछ तो मैंने कर भी दिया थोड़ा बहुत, जो लास्ट महीने में ख़त्म हो जाता ना वो लेके आई थी कल। और एक ना मैट भी लेके आई हूँ, मैं दिखाऊंगी आप लोगों के साथ, शेयर करूंगी। और ज़्यादा कुछ भी नहीं लेके आई, लेने का तो मन था बहुत कुछ, लेकिन बस वही है ना, फिर बजट के हिसाब से देख के ना हम लोग रह जाते हैं। घर की कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लेने का तो मन करता है, फिर लगता है कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना वो ना ले। तो सारा सामान मैंने अरेंज कर दिया, और जो किचन का सामान रखने का था वो तो मैंने रात को ही रख दिया था। और नीचे इतना ज़्यादा मैसी लगता है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि रखा हुआ ना इतना बेकार दिखता है, जैसे कि किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो रही हो, ऊपर भी ऐसे ही दिखता है नीचे भी, क्योंकि ये ना ओपन है पूरी, तो अजीब सा ही लगता है, कितनी भी सफाई कर लूँ पर नहीं हो पाता। और पता क्या, मैं कई बार सोचती हूँ कि ना वो ले आऊँ, जो या तो डब्बे ले आऊँ ढक्कन वाले जो होते हैं, सामान डाल के ढक के आराम से रख दो एक साइड में, या फिर वो जो टोकरी आती है ना ढक्कन वाली उसमें डाल के रख दूँ, पर वही है फिर अगले महीने में ले लेंगे करते करते वो भी नहीं ले पा रही मैं, तो देखती हूँ लाऊंगी तो सही। और मैं अभी ना कपड़े सुखाने आई थी, क्योंकि सुबह मशीन लगाई थी और इन्होंने कपड़े सुखा भी दिए, आज ये घर पे ही है, गुड़िया के पापा छुट्टी है इनकी, तो फिर इन्होंने मेरा थोड़ा सा काम भी हल कर दिया, क्योंकि ना सुबह चाय बना देते हैं, शाम के टाइम भी कई बार चाय में बनवा लेती हूँ। कई बार होता ना कि अपने हाथ की पी पी के बोर हो जाते हैं, तो फिर लगता है एक कप चाय मिल जाए, और जब काम करते रहते हैं ना तो फिर लगता ही है कि कोई और बना के दे दे तो हम आराम से पी ले। गुड्डू बना देता है कई बार, पर उसे मैं ज़्यादा परेशान नहीं करती, स्कूल भी होता है ट्यूशन भी होता है बच्चों का, पर कई बार मैं बोल भी देती हूँ तो बना देता है। और इनके पापा को पता है जिस दिन छुट्टी होगी तो उनके हाथ की चाय मुझे पीनी ही पीनी है। और ये ना मैं पोछा लगा रही हूँ, कमरे में लगा के ले आई, किचन में से भी लगा दिया अच्छे से सामान हटा हटा के। और अभी आ रही है बारी, ये जो सामने है मेरा किचन के सामने ही ना ये पूरा पोशन ना खाली पड़ा है, तो पोछा आज अच्छे से लगा रही हूँ, और भी बल्कि दो दो बार, क्योंकि मुझे ना आज यहाँ पे मैट बिछानी है। जब मैट या फिर पायदान नए नए होते ना डोर मैट, तब तो ऐसे लगता है कि पोछा वोछा लगा के अच्छे से क्लीन हो, तभी उनको अच्छे से बिछाए और गंदे ना दिखे, तो वही है। अभी नया लेके आई हूँ ना मैं, तो ऐसे ही रहेगा। और गुड्डू ने रात को बिछा भी दिया था, फिर मैंने कहा नहीं गुड्डू, जब मैं अच्छे से झाड़ू पोछा करूँगी ना तब इसे बिछाऊंगी, क्योंकि अभी ना ये बिल्कुल क्लीन दिख रहा है। और ये हेलो किटी वाला बना हुआ लेके आई हूँ मैं, लेना तो था मुझे जाल पे ढकने के लिए, वो ना मैंने सोचा ये पूरा बड़ा ये सामने जाल पे भी ढक दूंगी तो आ जाएगा, लेकिन नहीं आया, फिर अजीब सा लग रहा था। वो जो उसकी सेफ ऐसी है ना, तो उस पर फिर वो चपटा सा ही लाना पड़ेगा मुझे, और ये बीच में रखा हुआ ना बहुत अच्छा लग रहा था। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना, और कहाँ लगा सकती हूँ मैं इसे वो भी बताना। तो ये जाल में इसीलिए दिखा रही हूँ आप लोगों को कि इस पे ढकने के लिए मैं दूसरा लेके आऊँगी,
और ये गोल तो यहीं पे ठीक लगेगा। एक बार तो सोचा बालकनी में रख दूँ, और उसमें मैं कई बार बैठ भी जाती हूँ, साफ सा रहेगा तो इस पर बैठ भी जाएंगे सर्दी होगी तो। फिर मुझे ना ये यहाँ पे अच्छा लगा तो मैंने ये थोड़ा सा चेंज कर दिया आज अपने इसका एरिया का लुक, और यहाँ पे एक गमला भी रख दिया मैंने जो ये फ्लावर का है, तो ये मैंने साइड में रख दिया। और एक गमला इसे ये ना सब जगह घुमा लेती हूँ मैं कभी, करेंगे यहीं पर एंड। और काम सब कर लिया, झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गए, किचन भी अच्छे से क्लीन कर दी, और गुड्डू को भी खिचड़ी दे दी मैंने, तो उनका काम तो हो गया, उनसे फ्री हो गई मैं। तो गुड्डू सुबह कुछ खा के नहीं गया था ना, सिर्फ चाय और बिस्किट लेके गया था, तो जब तक बच्चे अच्छे से कुछ खा पी नहीं लेते ना तो चैन सा नहीं आता। आने के बाद ही मैंने उसके जल्दी से खिचड़ी बना के दे दी थी काम छोड़ के, मैं पहले कुछ खा लेगा ना तो तभी तसल्ली सी मिलेगी, पहले ही तबीयत ठीक नहीं है उसकी। तो चलिए वीडियो का करेंगे यही बयान, जाऊंगी अभी नहाने के लिए, और गुड़िया भी नहीं आई है अभी, गुड़िया आएगी ना उससे पहले पहले, और मैं अपना काम निपटा लूँ सारा जो भी रहता, बस नहाने जाना, काम तो सब हो गया वैसे, और वो आएगी तभी उसका काम जो होगा, उसे खाना देना, और वो जो कपड़े वपड़े फैला देती है फिर से घर ऐसा ही हो जाएगा। तो बस रूटीन है वही चलता रहता है दिन भर, आप लोगों को भी पता घर में सबके ऐसे ही होता रहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो। तो उम्मीद करती हूँ ऐसे वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।